Hey guys, welcome to another video of Airsoft Gun India, and this is a quick video. This is not a review, this is not an unboxing. Yeah, update video hai. Video, and then hit the like button and also the bell icon. Like this video because this is very important. Okay guys, so this video is basically an update video. Yeah, update video hai. I will be talking more about the new product that we have added to our stock. Bahut se naye product humne add kiye hain, to main briefly bahut jaldi jaldi unke bare mein batane wala hu. And you can go to our website and check out the product. और ये जो है अभी there will be at a lower cost, थोड़ा सस्ते price पे होंगे जैसे कि हमारे website पे होते हैं. इन सभी के videos आने के बाद detail में हम उसके price थोड़ा और बढ़ाने वाले हैं. But so till then I will give you a brief video. और ये कुछ unique products हैं, ये बाद में शायद ना मिले. So I will give you the idea. This is a Winchester rifle. अगर आप लोगों को old school rifles पसंद हैं तो this will be your, you know, best bet. This is a copy of a Winchester rifle. You know, I don't know, background mein kaisa dikh raha, but this looks very cool. Iski design, iska jo look hai, is very awesome. Ye bilkul hi purane zamane ke cowboy type ke rifles, you know, dikhta hai. And this is not a BB gun, guys. This is not a BB gun. Jo log blank gun ke diwane the, this is a news for you. I can call it a desi blank gun because ye jo hai cap gun hai. So basically you click it right here, aur iske andar jo Diwali mein cap padte hain small small, wo aap dalte hain. And it will make a sound. वो असली गन की तरह साउंड नहीं करेगा, पटाखे की तरह करेगा, धुआं निकलेगा. तो जस्ट इमेजिन इसको हवाई फायर करते हुए आपको देसी यू नो राइफल वाली फीलिंग आएगी. इसकी लेंथ मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कितना है. इसका जो लेंथ होगा वो आपको रफली अराउंड 32 इंच है गाइस. यू नो 32 इंच इसकी जो 32 से 33 इंच इसकी लंबाई है, और आप चौड़ाई तो आप देख ही रहे हैं. ठीक है, ये हल्की गन है, बहुत हैवी नहीं है. ये सब गन्स जो है हल्की बनाई जाती ना, कि है ब्लैंक गन या फिर रेप्लिका गन्स के कैटेगरी में ना आए. टॉय की कैटेगरी में आने के लिए इनको हल्का होना बहुत ज़रूरी है. सो जो इनकी इसका वेट है वो 250 ग्राम है. सो इट्स नॉट दैट हैवी. ऑलवेज नो आई जस्ट वॉन्टेड टू इंक्वायर, मैंने मैनुफैक्चर वगैरह से पूछा था कि इनको हल्का क्यों किया जाता है. द रीज़न इस, ये हल्का अगर बनेंगे तभी ये टॉय की कैटेगरी में आएंगे, वरना ये रेप्लिकास वगैरह में आ जाते हैं. सेकेंडली बाहर से इम्पोर्ट के लिए अगर ये हैवी रहेगा, अगर ये 3 किलो का होगा, जितनी इस गन की कॉस्ट नहीं है उससे ज़्यादा इसका वेट का फ्लाइट कॉस्ट आ जाएगा. दैट्स द रीजन ये इनको बहुत हल्का बनाते हैं. सो दिस इज द वॉज द विंचेस्टर. जो अनदर बहुत ही कूल सा प्रोडक्ट हमारे वेबसाइट पे ऐड किया गया है, जो आई थिंक आपको अभी परचेस करना चाहिए, दैट इज द शॉर्ट गन. जो शॉर्ट गन हमारे वेबसाइट पे था वो थोड़ा छोटा है, और वो थोड़ा सा ब्लैक अलग डिजाइन में है. ऐसा जो है क्लासी मॉडल में अभी हमारे पास नहीं था. सो वी आर एडिंग दिस एट द ऑलमोस्ट सेम प्राइस जो ओल्ड शॉर्ट गन का है. एंड दिस इज द ओल्ड क्लासी शॉर्ट गन टाइप का खिलौना. सो दिस इज वन ऑफ द यू नो चीप, ये सस्ता है, नॉट वेरी एक्सपेंसिव. और इसकी जो लंबाई है वो आप देख सकते हैं, रफली अराउंड 24 इंच का है. दिस इज ऑल्सो गुड, नॉट दैट हैवी, बट 345 ग्राम का है. वेरी नाइस गन, गुड ब्लो बैक, यू नो अच्छा आपको फील देता है, थोड़ा सा आपको यू नो नाइस फील देता है. अब जो लोग थोड़ा मशीन गन थोड़ा उसी टाइप के शौकीन हैं, उनके लिए 338 है. दिस लुक्स रियली यू नो डोप. और इसके अंदर आप देख सकते हैं जो इसका मैगजीन है, इज अ राउंड मैगजीन, और इसके अंदर ड्रॉप डाउन मैगजीन है. इसके अंदर मतलब जो है ना आप चेक करेंगे, दिस इज रियली कूल. ये बहुत अच्छी डिज़ाइन में है, थोड़ा सा अलग डिज़ाइन. लेट मी जस्ट, ये सारे जो गन्स हैं ये अभी भी जस्ट आई हैं, एंड वी हैव जस्ट एडेड इट. तो मैं इनके बारे में ज़्यादा जो है नहीं जानता हूँ, ज़्यादा देखता नहीं हूँ, बट लेट मी शो यू. आई थिंक ये यहाँ पे जाएगा. सो सॉरी गाइस, तो मैं एज ए टोल्ड यू मैंने इनको ज़्यादा यूज़ अभी किया नहीं है. सो आप देख सकते हैं दिस लुक्स वेरी कूल, ये मूव हो रहा है इसका, एंड दिस इज नाइस, ये भी मूव कर रहा है. जो मूविंग पार्ट होते हैं मुझे गाइस अच्छे लगते हैं, दैट मेक्स मेक अ गन लुक ऑथेंटिक, काफ़ी अच्छा लगता है. एंड ये इज अ स्कोप, अगर आप इनके स्कोप इसके ऊपर माउंट करना चाहें, ऐड करना चाहें, तो यू कैन डू इट राइट हियर. सो आप देख सकते हैं सलमान खान की फिल्म के ऐसा पूरा फीलिंग दे रहा है. एंड द लोडिंग मैकेनिज्म इज दिस. सो अगेन आई टोल्ड यू, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये जो सामने लोडिंग होता है इट मेक्स फायरिंग ईजियर, एंड ये नीचे हो जाता है, एंड एवरीथिंग इज फोल्डेबल. सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी नाइस एंड नीट गन, वेरी यू नो गुड. इसका वेट मुझे लगता है थोड़ा सा अच्छा होगा बाकियों से. तो लेट मी शो यू द वेट. इसका वेट है
साढ़े 500 ग्राम 545, 546, तो ये 550 ग्राम का है, गुड वेट, नाइस यू नो टॉय के साइज में। इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा नहीं है, लंबाई आप देख सकते हैं, दैट इज 22 इंच, तो 22 इंच का इसका लंबाई है। वेरी नाइस गन, वेरी इट फील्स गुड, अच्छा फीलिंग देता है घर पे कलेक्शन के लिए, अच्छा है, टेबल पे लगा के रखिए, मज़ा आएगा। मैं अपने घर में सजा के रखने के लिए आई थिंक दिस इज अ गुड चॉइस कलेक्शन करने के लिए, आयरन यू नो चीपर सस्ती है, तो आप इसको यू नो खरीद सकते हैं, दिस इज द बेस्ट टाइम टू परचेज द चीप वन। एंड 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 दिस वॉज द गन जो बहुत लोग डिमांड कर रहे थे, जो लोग स्नाइपर के शौकीन थी, ये ड्रैगनव का जो है कॉपी है, नॉट अ फुल साइज, इट्स नॉट अ फुल स्केल वन, बट आई थिंक ये ठीक ठीक मॉडल है इसका, आई थिंक ये यू नो ऑलमोस्ट हाफ के साइज का है, ये जो असली ड्रैगनव होता है इट इज क्वाइट लॉन्ग, वो स्नाइपर का होता है, बट दिस मॉडल इज गुड, लुक्स नाइस, एज आई टोल्ड यू ये इतनी हैवी नहीं होती हैं, एंड यू कैन ऑब्वियसली इसके अंदर आप स्कोप माउंट कर सकते हैं, एंड यू नो इसके बेसिकली लेज़र है और आप इसको चला सकते हैं, बट कई बार इसके अंदर बैटरी नहीं आता है, सो यू नो जस्ट गो लाइक दिस, लेट मी जस्ट पुट इट फॉर यू, एंड दिस इज अ ड्रैगनव, तो ये उसका स्नाइपर का कॉपी है, वेरी नाइस, वेरी गुड, नॉट द एज आई टोल्ड यू, ये सब जो है दे आर नॉट रियल एयर सॉफ्ट, मैं फिर से बता रहा हूँ, जो एक्चुअली रियल एयर सॉफ्ट का मतलब जो बाहर के एयर सॉफ्ट होते हैं 28 सेंटीमीटर, सो दिस इज एयर सॉफ्ट टॉय, दिस इज नॉट द एयर सॉफ्ट गन, 28 की इसकी लंबाई है, जो रियल एयर सॉफ्ट होते हैं जल्दी वो रियल के साइज के रेप्लिकास होते हैं, एंड दे आर प्रिटी सॉलिड, काफ़ी भारी होते हैं, सो दिस इज यू नो क्वाइट गुड, अगेन ये इट विल बी एट अ वेरी चीप प्राइस, इसका जो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यू कैन गो एंड चेक इट आउट ऑन आवर वेबसाइट। एंड गाइस गाइस गाइस, इन सब के बाद देर इज वन थिंग जो आपको बहुत लोग चाहते हैं, बहुत लोगों को पसंद है, पहले हमारे वेबसाइट पे था, और बहुत जो लोग गन के फैसिनेशन रखते हैं उनको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, दैट इज दिस वॉकी टॉकी, दिस इज अ इंटरफोन न्यू जनरेशन पोर्टेबल, और ये जो है अब देखो इस पर लिखा गया है कि ट्रैवलर, होटल्स, फ्लोर मैनेजमेंट, पार्किंग, इन सब के लिए है, बट आई विल टेल यू ये इन सब के लिए बिल्कुल भी नहीं है, यू कांट यूज इट फॉर सो मेनी पर्पस, ये खेलने के लिए अच्छा है गाइस, लेट मी जस्ट ओपन दिस फॉर यू, दिस इज ब्रांड न्यू, सो आई विल जस्ट, इनकी अनबॉक्सिंग वगैरह भी नहीं हुई है मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट जो है, सो लेट मी जस्ट टियर दिस अपार्ट फॉर यू गाइस, सो आई कांट होल्ड ऑन फॉर अ लॉन्ग, so this is it, it comes in this box, okay I just popped it open in a wrong side, maine galat side khol liya tha, so this is the walkie talkie, ye 50 se 60 meter khule area mein, for example agar main ground mein ho to 50 se 60 meter ye baat karne ke liye sahi hai, it is more for playing guys, agar aap andar khel rahe hain, ghar mein khel rahe hain to khelne ke liye acha hai, the idea that I look is ye dikhne mein kafi acha hai, it looks quite realistic, ye agar पुश है आप इसके अंदर, ये सब जो चीज़ें हैं चलती नहीं हैं, दिस आर फेक, तो आप इसको घुमा घुमा के चैनल सेट नहीं कर सकते, इन दोनों से आप बात कर सकते हैं, इट इज़ नॉट एन वॉकी टॉकी, ये वॉकी टॉकी टॉय है गाइस, रिमेंबर इट्स नॉट अ वॉकी टॉकी, जिसके अंदर आप मल्टीपल वॉकी टॉकी अटैच कर सकते हैं, आप इसको ये खिलौने टाइप का आता है, बट द डिज़ाइन इज क्वाइट कूल, वेरी नाइस, इट कम्स विद द स्क्रू ड्राइवर, इट कम्स विद दिस यू नो बैटरी, तो आपको अलग से बैटरी आकर के मार्केट में खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, एंड देयर इज वॉच एंड स्टफ राइट हियर, तो आप वॉच वगैरह इस पर सेट कर सकते हैं, प्रीटी मच नाइस, यू कैन ऑल्सो बाय दिस, वी हैव अ लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ दिस यू नो वॉकी टॉकी, सो यू कैन गो डाउन देयर एंड ऑर्डर दिस, सो गाइस अगर आपको पसंद आया नए गन्स तो बताइए कैसा लगा, दिस इज नॉट द बेस्ट गाइस, टू वेरी फ्रैंक आई पर्सनली लव गन्स, तो मैं आपको सीधी सीधी बात बोलूंगा, दिस नॉट वन ऑफ द बेस्ट कलेक्शन, बट येस अभी के लिए ये काफी अच्छा है, प्ले विद देम, आई होप कि थिंग्स गेट बेटर वेरी सून, एंड एज दे कम बहुत मजा आने वाला है, टिल देन गाइस हैव फन, एंजॉय द वीकेंड्स एंड स्टे ऑसम।